हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपकी रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जितना भी सिलसिला रहा है, उसको ध्यान में रखकर हम इस रीडिंग को करने वाले हैं, और उसी के ज़रिए हम यहाँ पर एक यू नो रिपोर्ट कार्ड को तैयार करेंगे, ठीक है। और हर बार की तरह इस रीडिंग में भी आपके पास फोर ऑप्शंस हैं। नंबर वन पर है हमारे पास पिंक पैंथर, नंबर टू पर है हमारे पास पिंक लेटर, नंबर थ्री पर है हमारे पास पिंक फ्लावर, और नंबर फोर पर है हमारे पास पिंक बॉक्सिंग ग्लव्स। आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करके रीडिंग देख सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शंस की रीडिंग को भी देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पर, ठीक है। इन सभी ऑप्शंस के जो टाइम स्टैम्प्स हैं, वो हर बार की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे, और जो पिंड कॉमेंट होता है उसमें भी मिलेंगे, ठीक है। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो लोग भी मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मेरी जो वेबसाइट है www.shunyacreates.com, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली मेरे साथ एक सेशन को बुक कर सकते हैं, ठीक है। और उस मेरी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं अपडेट्स के लिए, या फिर कुछ ना कुछ जो मैं पोस्ट करती रहती हूँ अगर इसमें आपकी दिलचस्पी है, तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मेरा सेकेंड चैनल शून्य क्रिएट्स, इसके ऊपर भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर रोज़ यू नो शॉर्ट वीडियोस जो हैं वहाँ पर पोस्ट करूँगी। अभी हम वहाँ पर एक स्ट्रक्चर को रेडी कर रहे हैं कि कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो अभी वहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन अगर आप मुझे वहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे सेकेंड चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर एक मेन अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर ये करना चाहती हूँ, वो ये है कि जो पेट्रियन सर्विसेज हैं वो मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए पॉज कर दी हैं। जो मेरा पेट्रियन अकाउंट है, जहाँ पर मैं सर्विसेज पेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, वो मैंने कुछ समय के लिए उसे वहाँ पर पॉज कर दिया है। उसका रीज़न यही है कि मैं किसी प्रोजेक्ट पर फ़िलहाल काम कर रही हूँ, और उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, और इस वजह से मैं पेट्रियन पर सर्विसेज प्रोवाइड सितंबर मंथ के लिए नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो अगर आप में से कुछ लोगों का मन था सितंबर मंथ में मुझे ज्वाइन करने का, आई एम रियली सॉरी, मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये जो काम मैं कर रही हूँ इसे फिनिश करना भी बहुत ज़रूरी है, और इस वजह से कुछ समय के बाद मैं दोबारा से रिज्यूम करूँगी। जब भी मेरे ये सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए, हम डेफिनेटली पेट्रियन पर दोबारा से काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए पेट्रियन सर्विसेज पॉज हैं, ओके। तो या आई थिंक यही कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी थी, और मेरे ख्याल से अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर जय हो, मंगल हो। हाय ऑप्शन वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पिंक पैंथर को चूज किया है, लेट्स सी आपकी रिपोर्ट कार्ड आपके बारे में क्या कहती है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी पास्ट की एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए शफल करते हैं ऑप्शन वन के लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। शून्य, थैंक यू। वी हैव रेनबो ऑब्सीडियन हील योर हार्ट। तो पायल वन, आपने, आप में से बहुत सारे लोगों ने पास्ट में किसी चीज से उभरने की कोशिश की है, कोई गम, कोई सदमा, कोई यू नो कुछ आपने अगर लूज किया पास्ट में, किसी किस्म का लॉस, उससे उभरने की आपने कोशिश की अतीत में। आप में से कुछ लोगों ने रामादासा, सासे सोहंग इस मेडिटेशन के साथ बहुत ही काम किया, या फिर ग्रीन तारा माँ के मंत्र के साथ बहुत काम किया है पास्ट में, और जितना हो सके आपने अपने आप को हील करने की कोशिश की, यू नो
अपनी जैसे अपने आप को प्रायोरिटी बनाया, और इससे खूबसूरत बात कोई और नहीं हो सकती। लिपिडोलाइट, रिकॉल योर ड्रीम्स। यस, तो इस पाइल की पास्ट में कोई ना कोई अवेकनिंग हो रखी है, किसी ना किसी किस्म की अवेकनिंग, किसी ना किसी किस्म की रियलाइजेशन, जिसने आपका फोकस अगर पहले दुनिया पर लगा हुआ था तो वो सारा फोकस आपका खुद के ऊपर लगा दिया, जैसे कि आप प्रायोरिटी बन गए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पाइल में बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं जिनका फर्स्ट रिएक्शन बहुत अच्छा है। फर्स्ट रिएक्शन माने कि जैसे मानिए कि मैं अगर आपसे ये कह रही हूँ कि आप में ये कमियाँ हैं, तो आप उस बात को सुनकर एकदम से इमोशनल रिएक्शन नहीं दे रहे हो, बल्कि आप मेरी उस स्टेटमेंट को प्रोसेस कर रहे हो। आप कह रहे हो कि अच्छा, इसने मेरे बारे में ये कही है बात, तो क्या सच में मेरे अंदर ये कमी है? तो आपने जैसे आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही क्लासी, यू नो, जैसे हम कहते हैं ना कि क्लासी वे में रिएक्ट करना, बहुत वैसी एनर्जी है इस पाइल की। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी बहुत काम किया है, छोटी छोटी चीज़ों को सुधार करना। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी, जैसे कि हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप उस चीज़ को नकार नहीं रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे अपनी हैंड राइटिंग को सुधार करना है, और आपने कॉन्शियस एफर्ट डाले हैं उस चीज़ को हील करने के लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल वन में बहुत ही एम्बिशियस लोग हैं जिनके बड़े बड़े ख्वाब हैं, सपने हैं, और इस लॉस के बावजूद भी, इस सफरिंग के बावजूद भी जो यहाँ पर आप जिससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपने अपने सपनों पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एम्बिशियस लोग मौजूद हैं इस पाइल में। ये भी पॉसिबल है इस पाइल में बहुत सारे लीब्रा और कैंसर साइन के लोग हों, या फिर बहुत सारे लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या जो लाइट एंड डार्क की इंटीग्रेशन इसको समझ रहे हैं कि ये जीवन काम कैसे करता है। एंजल ऑरा कॉल्स लाइटन अप। ये भी इसी बारे में बात करता है कि किसी चीज से उभरने की कोशिश की गई पास्ट में, लाइटन अप, यू नो, भार को दोबारा से पीछे छोड़कर अपनी लाइफ को समेटने की कोशिश करना, अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों को उठाने की कोशिश करना। We have appetite, get out of your comfort zone. और last card है black kyanite, set strong boundaries. मुझे ऐसा भी लग रहा है पास्ट में आपको किसी ने आपका फायदा उठाया है इस कार्ड से। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपका बहुत ही बुरे तरीके से फायदा उठाया है, आपका दिल जीतकर, आपका विश्वास जीतकर किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया, और उसकी वजह से आप पास्ट में एकदम से उस हादसे के बाद आप एकदम से टाइट कि उफ, दुनिया तो बहुत ही कठोर है भाई, मुझे अब बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने हैं, तो आप बहुत अलर्ट हो गए पास्ट में। ये भी पॉसिबल है कि लोग आपको पास्ट में ये भी कह रहे होंगे कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, और आप जैसे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, ये मैं गलत तरीके से बदला नहीं हूँ, बल्कि मेरे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया है। लिटरली अगर जैसे कोई किसी को कह रहा है कि तुम बहुत कठोर हो गए हो, क्योंकि हमारा जो बदलाव होता है, हमारा जो चेंज होता है, लोगों के लिए उसे एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये दुनिया ऐसे ही काम करती है, जब भी कोई बदलाव आता है उसको समझने में, उसको थोड़ा सा उसके साथ काम करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। एंड आई फील लाइक कि आपके साथ पास्ट में यही हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आपने पास्ट में बहुत सारी बाउंड्रीज बना ली कि हाँ, अब मैं अलर्ट रहूँगा, मैं रिस्क नहीं लूँगा, अपने आप के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दूँगा। अगेन, ये बहुत ही इंटेलिजेंस की निशानियाँ होती हैं ये सब कुछ करना, प्रैक्टिकल हैं इस पाइल में, बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, तो यहाँ पर किसी ने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को भी हील करने की कोशिश की है, खास करके लेजी काउच पोटेटो एनर्जी। उसका रीज़न वो मुझे ये कह रहे हैं कि आपके आउटकम्स बहुत ही नेगेटिव रहे हैं पास्ट में,
आउटकम्स, लाइफ के जो आउटकम्स, आप वो चाहे आपके आपकी लव लाइफ में हो, चाहे वो आपके करियर में हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आउटकम्स नहीं मिले, और उसका कहीं ना कहीं आपने तथ्य यही निकाला है कि मुझे अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, तभी मेरे आउटकम्स सुधार अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने आउटकम्स में सुधार करने के लिए अपने रूटीन के ऊपर बहुत काम किया। लेकिन अगर इन सभी कार्ड्स को देखें, ये बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं। इस कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास्ट में जो भी आपने प्रैक्टिकल 3D को सुधार करने के लिए जो भी आपने प्रैक्टिकल एक्शंस लिए, उसने आपकी आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो किया है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई उसकी वजह से। कोई ना कोई स्पिरिचुअल रूटीन, जैसे मान लीजिए आपने रिसेंट पास्ट में मून रिचुअल्स को करना सीखा, या फिर ब्रीदिंग प्राणायाम को समझा कि ब्रीदिंग कैसे हमें हील कर सकती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पिरिचुअली इंक्लूड किया गया है लाइफ में। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, और मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगी कि इस एनर्जी को बरकरार रखिए। चाहे कुछ लोग आपके इस बदलाव को बदलाव के साथ एडजस्ट नहीं भी कर पाए, तब भी कोई बात नहीं, वो आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हर किसी को इम्प्रेस करना है, हर किसी को खुश करना है। नहीं, हमारा लक्ष्य है अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने ड्रीम्स को पूरा करना, राइट? और उस प्रोसेस में कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, और यही सच है, हमें इसी सच के साथ आगे बढ़ना है। तो या इसे कॉन्टिन्यू रखिए पायल वन, जितना भी यहाँ पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट का काम आपने पास्ट में करना शुरू किया है। नाउ लेट्स सी आपके प्रेजेंट एनर्जीज यहाँ पर क्या क्या मिलती हैं हमें, आप प्रेजेंट में क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। थैंक यू। One more time, please. And Shunya. We have the lovers. आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल टीम, अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करना सीख रहे हो प्रेजेंट में। मुझे ऐसा भी लग रहा है पायल वन, आपका शोर बहुत कम होता चला जा रहा है दिमाग का, या आपके इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग्स भी हैं उसमें शोर कम होता चला जा रहा है, और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनते चले जा रहे हो। आपका ध्यान जो है अब जैसे सूरज की तरफ है, सूरज की किरणों की तरफ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हो कि एक्चुअल में सोल्यूशंस, आंसर्स मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। ये प्रेजेंट की आपकी एनर्जी है, जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट हो पास से, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि अब आपको सूरज दिखने लगा है। पूरा नहीं भी दिख रहा अगर, लेकिन उसकी कुछ किरणें आपको ज़रूर दिख रही हैं, और आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो। और मुझे एक बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को जानना चाहता है, और उस प्रोसेस में वो अपनी स्पिरिचुअल टीम, मेरे स्पिरिट गाइड्स कौन हैं, मैं उनको कैसे, उनके साथ कैसे काम कर सकता हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं क्या क्या सीख सकता हूँ, आप इस पूरे प्रोसेस में जैसे आप इन सब चीज़ों को समझने में लगे हुए हो, और इस वजह से वो सूरज दस्तक दे रहा है, डेस्टिनी आपके जीवन में दस्तक देती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग फॉल्स सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी रहे पास्ट में, और प्रेजेंट मोमेंट में आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि आपके ट्रू सोल ट्राइब या आपका ट्रू ट्विन फ्लेम या ट्रू सोलमेट कौन है। आपकी नज़र बहुत अच्छी बनती चली जा रही है पालवान, नज़र आपकी, आप पहचान कर पा रहे हो कौन सी चीज़ें करेक्ट हैं और कौन सी चीज़ें फॉल्स हैं। My God, we have the Empress. This is number 3, so mind, body, spirit. आप बहुत powerful बन रहे हो पायल वन। ये काम ही कुछ ऐसा है, जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं तब यही मैजिक क्रिएट होता है। मैं ये बार बार बातें इस वजह से ही कहती हूँ क्योंकि मैंने इसे खुद पर अपना कर देखा है, इसे मैंने अप्लाई किया है, और ये जो भी आप कर रहे हो इस वजह से इसको कंटिन्यू रखो,
क्योंकि यहां पर आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो लिटरली। 3 months फ्रॉम नाउ वो मुझे कह रहे हैं, 3 months आने वाले 3 months जो हैं वो भी आपके लिए बहुत सारे मैजिकल एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं। सक्सेस बहुत है यहाँ पर, आंसर्स बहुत है यहाँ पर, और ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं उनके कॉन्टैक्ट में आपको भेजा जाएगा। स्पिरिचुअली स्पिरिट पुश करेगी आपको, वैसे ही दोस्त, वैसे ही यू नो कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे। एम्प्रेस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी यू नो काफ़ी काम कर रहे हो। आप जैसे किसी को भी ये मौका या किसी को ये हक नहीं दे रहे हो कि आप कोई आपको यू नो हर्ट करे प्रेजेंट मोमेंट में, और इसकी वजह से आप बहुत बहुत नज़र में हो, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। आई होप कि आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं। एक होता है ना कि नोटिस कर पाना कि एक तो हमारे फिजिकल चेंजेस हैं और कभी कभी हमारा ऑरा बदल जाता है, हम कुछ और पावरफुल बन जाते हैं और फिर लोग उसको एनर्जेटिकली विटनेस करते हैं या उसे महसूस करते हैं कि इसमें कुछ तो बदलाव आया है। एंड आई फील लाइक करंट एनर्जी में ऐसे ही ऐसा ही ऑरा हो चुका है आपका, और लोग शायद आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं कि तुम इन दिनों कर क्या रहे हो, तुम बहुत बदले बदले से लगते हो पॉजिटिव वे में। ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग प्रेजेंट एनर्जीज में यहाँ पर अपने लिए बेबीज को भी शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो एम्प्रेस की एनर्जी से, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाइए यहाँ पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जितना आप यहाँ पर लगाएंगे, जितना अपना पैराडाइम शिफ्ट करेंगे जो दिमागी तौर पर, उतना ही यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। We have the devil. Pile one, आप नहीं रुकने वाले। I feel like आपने ठान लिया है कि अब मैं अपनी लाइफ को सुधार कर ही दम लूंगा, मेरे जीवन में जितनी टॉक्सिसिटी है अब मैं उसके सामने घुटने नहीं टेकूंगा, उसका सामना करूंगा। यहां पर बहुत ही भयंकर किस्म का कोई शैडो वर्क कर रहा है। To be very honest, मैं बहुत impressed हूँ इस पाल से, बहुत ही impressive energy है आपकी, क्योंकि ये काम trust me ये easy नहीं है you know। तो या आप अपने demons के साथ literally आपकी जो nubs पर attack करती है चीज़, हमारी ego, हमारे demons, आप कह रहे हो कि चला जा फिर यू नो चल आ जा फिर, तुझको करना ही अच्छे से तांडव, तो फिर अब तू मेरा तांडव देख यू नो। आप उसको जैसे फेस कर रहे हो, आप नकार नहीं रहे किसी चीज़ को, और जब भी हम इस एनर्जी में आ जाए ना जहाँ पर हम चीज़ों को नकार नहीं रहे हैं, ट्रस्ट मी वो हमारी जीत की, हमारे मैजिकल टाइम की शुरुआत, उसका आगाज़ होता है वो, जहाँ पर हम कहें कि अब मैं इस चीज़ को नहीं नकारूंगा, कमी है तो है, इसमें सुधार करूंगा अब मैं। एंड आई फील लाइक कि आप अपने लिटरली अपने डीमंस को फेस कर रहे हो। आपको जितने भी लोग मान लीजिए अतीत में बुली कर रहे थे, प्रेजेंट में आप उनको वो हक ही नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो कि नो इनफ हो गया, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली, इस डेक में प्रिंस ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप समय नहीं वेस्ट कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, या फिर आपको ये चीज़ बहुत दुख देती है जब मान लीजिए आपने पूरे दिन में कुछ नहीं किया, रात को आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आप बहुत एम्बिशियस हो गए हो पालवान, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हो, और उसकी वजह से आप समय को समझ रहे हो कि समय को वेस्ट नहीं करना है। एक्शन, कॉन्टिन्यूस एक्शन है आपकी तरफ से, तो आपका जितना भी काम चल रहा है मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है ये बिल्कुल। आगे जब आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे, वो मुझे कह रहे हैं कि ये सेम जो भी आपने फॉलो किया है आप दूसरों को भी टीच कर सकते हो, तो इस पाइल में पोटेंशियल है टीचर बनने की, गुरु बनने की। मुझे लिटरली ऐसा नजर आ रहा है इस पाइल में कुछ लोग अपना कोर्स बनाने वाले हैं, वर्कशॉप्स, यू नो कुछ ना कुछ ई बुक्स, जिसमें आप जो आपने सीखा, जो आपने किया अपनी जर्नी में, वही आप आगे यू नो आगे आगे शेयर करोगे। वी हैव फोर ऑफ कप्स, चिंतन करना,
अपनी ऑप्शंस को भी आप समझ रहे हो। अगर मान लीजिए आपके पास दो राहें हैं और आपको डिसीजन लेना है कि इसमें से किस राह को मुझे किस राह पर चलना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस उसको लेकर, आप जैसे अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट करते हो, ऐसे या तो आप चैनलिंग बहुत कर रहे हो, या फिर आपको है कि स्पिरिट क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, ये बात अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती। नेचर के साथ भी आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन बन रहा है इन दिनों, और मुझे ऐसा लग रहा है कि गाया भी आपको बहुत टीच कर रही है, बहुत टीच कर रही है आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में। वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर कोई लिटरली अपनी कहानी लिख रहा है मेरी जान, ये तो कोई लिटरली कह रहा है कि ये जो मेरे हालात हैं ये हमेशा के लिए नहीं, ये टेम्पररी हैं। किसी ने इस सच को जान लिया है और उसी को ध्यान में रखकर वो यहाँ पर एक्शन ले रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है प्रेजेंट में। कोई भी अगर बुरा कोई कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आता भी है वो आपको तोड़ नहीं पाता। आप अगेन जैसे किसी ने ये भेद जान लिया है कि हाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये जितनी भी सिचुएशंस हैं ये वक्त भी टल जाएगा। जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा लय में रिदम में आ गया है यहाँ पर। लेट्स सी आपके एंजल्स यहाँ पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहलवान, ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव एनर्जी है, ट्रस्ट मी, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई आपकी एनर्जी से। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, वी हैव लेडी नारा, Divine order, do what you feel is right. An important lesson is unfolding. Yes, आप किसी spiritual awakening से गुजर रहे हो फिलहाल। ये रंग भी मुझे कहीं ना कहीं amethyst की याद दिला रहा है, और आपको main guidance angels की तरफ से present time के लिए यही दी जा रही है, do what you feel is right. जो आपको सही लगता है वही कीजिए, क्योंकि इस वक्त आप बिल्कुल रिदम में हो, बिल्कुल स्पिरिट के साथ रिदम में हो, तो आप कोई कुछ भी गलत नहीं करोगे। तो अपनी फीलिंग्स को अपना गुरु समझो, और आप जो भी महसूस करते हो किसी सिचुएशन में और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप डिसीजन लेते हो, ट्रस्ट मी आउटकम आपके हक में होगा। वी हैव होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो आपके एंजल्स यहाँ पर आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपका माइंड कितना पावरफुल बन चुका है, आपकी इंटेलिजेंस, आप बहुत इंटेलिजेंट बन चुके हो पहलवान, और इस वजह से आपको इसे एक ब्रह्मास्त्र के रूप में देखना चाहिए। जितना हो सके पैराडाइम शिफ्ट लेकर आने की कोशिश कीजिए, नए आइडियाज़ के साथ काम कीजिए, नई किताबें पढ़िए, नई एफर्मेशंस ऐड कीजिए। 3 months फ्रॉम नाउ तो आप कहीं, तो आप तो मतलब बहुत आगे होंगे अगर आप इस तरीके से काम कर लें। Choose loving thoughts अपने लिए, अपने आप को criticize नहीं करना है, अपने आप को प्यार देना है basically यहाँ पर। Sorry guys, मुझे थोड़ा सा cards को set करना पड़ा, इसी वजह से मैंने कैमरे को रोक दिया था, लेकिन खैर अब इस present की energy के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि future outcomes क्या हैं, और उसको और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या advice दी जा रही है, क्या actions आप ले सकते हो। ठीक है, तो शफल करते हैं यहाँ पर। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू, वी हैव द हर्मिट। ओके, पहली एडवाइस आपके लिए यही है कि कॉम्प्रोमाइज मत करना फिलहाल। करंट सिचुएशन में आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस पेश किए जाएंगे जहां पर आपका मन हो सकता है आपसे कहे कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये मिल रहा है इसको ही रख लो, पता नहीं कुछ अच्छा आगे जाके मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी एडवाइस यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ये इसकी साजिश है लिटरली डेविल की। वी हैव सी द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके लिए बहुत शानदार आउटकम्स हैं इन द फ्यूचर, ट्रस्ट मी।
बहुत शानदार आउटकम्स हैं, बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ यू नो चोट मत लगने दो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, जो सपने आपने देखे हैं उसमें विश्वास करते रहो, उसके लिए मेहनत करते रहो, बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स हैं यहाँ पर। आप अपनी डेस्टिनी को जिएंगे और जो भी आपका ख्वाब है इस लाइफ को लेकर आप उसको जिएंगे। भविष्य में आपके लिए रिस्पेक्ट भी बहुत है, तो कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है। वी हैव द हैंग्ड मैन। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भविष्य में आप कोई नई चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं पालवान। लिटरली किसी चीज़ की फाउंडेशन रखना, और उसका रीज़न ही यही है कि आप कुछ हटके सोचोगे, चाहे कॉम्पिटिशन कितना भी क्यों ना हो किसी फील्ड में, लेकिन आपका उस किसी काम को करने का ढंग या किसी चीज़ को देखने का ढंग बहुत अलग होगा, यूनिक होगा, और उसकी वजह से आप एक पहचान बन पाएंगे। जब भी हम यू नो एक ऐसे पैथ को चूज़ करते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग चले हों, वहाँ पर रिस्पेक्ट गेन करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। एंड आई फील लाइक कि आप भविष्य में ऐसी ही पॉसिबिलिटी को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में किसी भी हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। 3 मेजर आर्काना है यहाँ पर। चौथा मेजर आर्काना स्ट्रेंथ कार्ड, एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी पावर मुझे दिख रही है यहाँ पर, और ये पावर दूसरों के ऊपर थोपने वाली पावर नहीं है, ये पावर जिसका मैं अपने जीवन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, जहाँ पर मेरा दिमाग मुझे डिप्रेस नहीं कर रहा या मुझे स्ट्रेस नहीं दे रहा, बल्कि मैं एक बहुत ही प्रॉपर रूटीन को, तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य में आपके पास स्ट्रक्चर होगा, आपको पता है कि मुझे इतने घंटे ये काम करना है, इतने घंटे ये सोना है, रिस्पॉन्सिबल बहुत होंगे आप, और कंट्रोल होगा यू नो आपका, आपकी लाइफ आपके हाथ में, आपकी लाइफ का। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस जिस समय बीता चला जाएगा पायलवान, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट बनते चले जाओगे, कॉन्फिडेंस बहुत मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। तो आपको फ़िलहाल क्या करना है, फ़िलहाल अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, फ़िलहाल अपने ऐड कीजिए, होता है ना रज़्मे होता है हमारा, उसमें ऐड करो कुछ ना कुछ, और क्वालिफिकेशंस ऐड करो, और रुतबा हासिल करो यहाँ पर, और जितना वो करोगे आप भविष्य में उतने ही ज़्यादा आपके पॉजिटिव आउटकम्स हैं यहाँ पर। थोड़ी सी और एडवाइस पाइल वन के लिए। थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shunya. We have insight opens the third eye to strengthen intuition. तो अपनी intuition के ऊपर काम कीजिए। आपके लिए main guidance यहाँ पर ये है, main advice यहाँ पर ये है। जितना हो सके meditation में वक्त लगाइए। auto writing भी कर सकते हैं आप। जितना आप अपनी इंट्यूशन को मजबूत करेंगे उतना ही ज़्यादा क्लियर देख पाएंगे, अपने जीवन के जितने भी आपके आने वाले एक्सपीरियंसेस हैं उसमें आपको क्या करना है वो क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। एंड वी हैव थ्रिंका 5 मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम। तो फिलहाल आपको अपने करियर के ऊपर काम करना चाहिए। अगेन से ये वही एनर्जी है, एक्सप्लोर कीजिए, ऐड कीजिए, क्योंकि उसी से गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो जहाँ यहाँ पर जितना हो सके खुद को काबिल बनाने के ऊपर काम कीजिए, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाइए यहाँ पर। आपका फाइनल ऑरकल कार्ड है, ओ माय गॉश, लुक, वी हैव एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। नंबर 2, यूनियन अपने आप के साथ, ईश्वर को जानना, अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, ईश्वर को जानना, राइट? तो यहाँ पर फाइंड पीस विद हिन, अपने भीतर ही सारे आंसर्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दरअसल आपके भीतर ही वो सारे आंसर्स हैं, और आप ऑलरेडी बहुत ही इम्प्रेसिव वर्क कर रहे हो पालवान। मैं आपको लिटरली ए प्लस 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 जितने भी प्लस हैं वो सारे दूंगी, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्प्रेसिव वर्क है, बहुत शानदार काम।
तो यस, पाइल वन ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसके साथ ही आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय ऑप्शन टू, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी लेटर को चूज किया है, लेट्स सी आपकी रिपोर्ट कार्ड आपके बारे में क्या कहती है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी पास्ट की एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। तो शफल करते हैं पाइल टू के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हमारे पास है यहाँ पर पायराइट, लेट द मनी फ्लो इन, टर्मिनेटेड क्वार्ट्ज, गेट आउट ऑफ योर ओन वे। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल टू, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा अपनी जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, हमारे हम सभी के सबकॉन्शियस ब्लॉक्स होते हैं ना, मनी को लेकर, या फिर हम अपने अपने आप के प्रति कुछ धारणाएं बना लेते हैं और हमें लगता है कि यही हमारा सच है। बट आई फील लाइक कि आपने पास्ट में इन सभी पैटर्न्स को हील करने के लिए काम किया है, खास करके अगर मनी को लेकर जो भी आपका रिलेशनशिप रहा है मनी के साथ, आप बहुत कॉन्शियस रहे पास्ट में, खास करके रीसेंट पास्ट में, जहाँ पर आपने या तो कोई मनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाना शुरू किया, अरिगातो टेक्निक यहाँ पर चैनल हो रही है मुझे, या फिर रिसेंटली किसी ने मनी जार बनाया, लेकिन आप जैसे मनी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में, एफर्ट्स आपके उसी दिशा में लगे हुए थे। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल टू कि पास्ट में आपने ना वो तू तू की जगह वो मैं कि अब मुझे देखना है कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना। आपने जैसे लिटरली इस बात को समझा कि अगर चीज़ों में सुधार करना है तो अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, किसी को ब्लेम करके कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो आपने जैसे अपने ऊपर जैसे काम करना शुरू किया। मुझे ऐसा भी लग रहा है पास्ट में आपने बहुत सारे लोगों को फॉरगिव भी किया है, तो आपकी बहुत सारी हीलिंग मुझे यहाँ पर ऑलरेडी दिख रही है कि आपने ऑलरेडी बहुत सारी हीलिंग कर चुके हो आप। We have Azurite, get laser focused. Amethyst, trust your intuition. Very nice. And we have a puff light, stay positive. यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है पाइल टू कि आपने पास्ट में ना खुद को पॉजिटिव रखने के लिए किसी ना किसी चीज़ का सहारा लिया। कोई म्यूज़िक हो सकता है यहाँ पर, या किसी नई हॉबी को आपने फॉलो करना शुरू किया, या फिर आप यू नो किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आए, लेकिन उसके बाद आपने ये जाना कि हाँ मुझे खुद को पॉजिटिव रखना है और मैं अपनी जितना अपने आप को पॉजिटिव रखूँगा या रख सकती हूँ, उतना ही मैं पॉजिटिव आउटकम्स को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। और इस पूरे प्रोसेस में आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल बनती चली गई और आप भी उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करना शुरू करने लगे पास्ट में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में बहुत सारे लोगों ने अपनी माइग्रेन या सरदर्द की प्रॉब्लम को भी हील किया है, क्योंकि ये काफी समय से आपको तंग कर रही थी प्रॉब्लम, और आपने कहीं ना कहीं कहा कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसको लेकर। तो आपने अपनी शायद हेडेक, अपने सर को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पर सुधार किया है किसी ने, या तो आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है, या फिर आपने उन सभी चीज़ों के साथ कॉर्ड्स काटी हैं जो आपको सरदर्द दे रही थी। ये लिटरली कुछ गैजेट्स भी हो सकते हैं या कुछ लोग भी हो सकते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने अपने डाइट्स में भी यहाँ पर अपनी डाइट में बदलाव लेकर आए यहाँ पर, खाने पीने का जो ढंग आपका, तो
तो बहुत सारी ओल्ड शेड, जिसे कहते हैं ना ओल्ड शेडिंग, आपकी ओल्ड स्किन जिसे कहते हैं शेड करना, वो हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। गेट लेजर फोकस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने जैसे आपके पास एक गोल था कि ये मेरा गोल है, इतना मैं अपने आप को समय दे रहा हूँ और मैं इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा। जैसे आपने कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन भी फॉलो किया, कोई डिसिप्लिन, बहुत ही सख्त डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, लेकिन शायद उसका आउटकम अभी तक भी आपको नहीं मिला है, शायद वो अभी भी यात्रा कंटिन्यू है आपके प्रेजेंट में भी। लेकिन जैसे किसी ने पास्ट में बहुत अपना फोकस, बहुत ही डिसिप्लिन एनर्जी को लगाया और इसी वजह से यहाँ पर आपको ये मैसेज भी है कि स्टे पॉजिटिव, आप उसको लेकर अभी भी होपफुल हो क्योंकि शायद आपने इससे ज़्यादा मेहनत कभी किसी चीज़ के लिए नहीं की। तो जब हम मेहनत करते हैं हम एक्चुअल में कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ अब मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि मैंने मेहनत की है। लेट्स सी आपके प्रेजेंट एनर्जीज कैसी हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर। वन मोर टाइम प्लीज एंड शून्य। We have six of pentacles, prince of wands, माने कि knight of wands, nice, we have eight of cups। आप बहुत सारे old patterns को अलविदा कह रहे हो present में, आपको बहुत सारे वो मुझे कह रहे हैं कि अच्छे results भी देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका पहले पैसे के साथ ही, क्योंकि पहला card money का crystal ही है, तो जैसे आप पैसे के साथ जो भी आपके पैटर्न से उन्हें हील करने की कोशिश कर रहे थे, तो प्रेजेंट सिचुएशन में आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ आता हुआ देखेंगे, बहुत सारी अबंडेंस भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में मैनिफेस्ट होगी। रिसेंटली आप में से कुछ लोगों को कोई जॉब का ऑफर भी मिला होगा और वो उसका रीज़न ही यही है कि आपका मनी के साथ रिश्ता जो है सुधर रहा है अब। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट टाइम में आपके लिए बहुत सारी काइंडनेस की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। शायद पहले लोग आपको, आपके लिए इतने काइंड नहीं थे, पहले शायद लोग आपका मजाक उड़ाते थे किसी चीज़ को लेकर या आपको हर्ट करते थे, लेकिन जैसे अब लोग आपको लेकर बहुत काइंड हैं, अब आपको लोग बुरा भला जैसे वैसी एनर्जी में नहीं, आप बहुत काइंड लोगों को, लिटरली आपका सोल ट्राइब भी हो सकता है ये, और आप अच्छा वातावरण जो है जहाँ पर आप रह सकें या काम कर सकें ऐसे अच्छे इन्वायरमेंट को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई बिजनेस भी था खुद का पहले, तो पहले शायद अच्छे क्लाइंट्स के साथ आपका रिश्ता नहीं रहा, लेकिन अब आप अच्छे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि करेंट सिचुएशन में आप अपने पैशंस को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, आप कह रहे हो कि हाँ अगर मैं अपने इस पैशन को फॉलो करता हूँ तो धन अपने आप आएगा, क्योंकि मैं एटलीस्ट उस काम को इन्जॉय तो कर रहा हूँ और जब मैं उस काम को इन्जॉय करूँगा डेफिनेटली अबंडेंस को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर आपका माइंड सेट बहुत पॉजिटिव होता चला जा रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है एट ऑफ कप से अब बहुत सारे अनवांटेड लोग या अनवांटेड थॉट्स या अनवांटेड हॉब एक्टिविटीज़ पैटर्न्स कुछ भी आप उनको जैसे अलविदा कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो। करंट सिचुएशन में आप कह रहे हो कि बस बहुत हो गया तो आप लेट गो कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, गुड बाय। ये मैसेजेस शायद इन दिनों आपके बहुत आप भेज रहे हो क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है। करंट सिचुएशन में मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर मूव भी कर रहे हैं, लिटरली कोई नया मुल्क भी हो सकता है या कोई नई सिटी स्टेट, और तो यहाँ पर मूवमेंट चल रही है आपकी। मेन जो एनर्जी है ना यहाँ पर वो यही है कि आप में अटैच
अटैचमेंट जो है उसका भाव कम होता चला जा रहा है, उसकी वजह से सुखी बहुत बनते चले जा रहे हो आप। पहले शायद आपकी प्रॉब्लम अटैचमेंट की ही थी, आप मतलब पकड़ो पकड़ो पकड़ो, यू नो वो अटैचमेंट बहुत थी आपकी, लेकिन अब आप बहुत सरल होते चले जा रहे हो। आप कह रहे हो कि हाँ अटैचमेंट भी सफरिंग को पैदा करती है, तो जहाँ पर मुझे गुड बाय कहने की ज़रूरत है मैं गुड बाय कहूँगा, वहाँ पर मुझे उस चीज़ को पकड़े रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपके एंजल्स दरअसल बहुत प्राउड हैं इस चीज़ को लेकर, वो लिटरली आपको शाबाशी दे रहे हैं कि हाँ तुम सही कर रहे हो। वी हैव मैजिशियन, आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी भी यहाँ पर सीख रहे हैं, मुझे एस्ट्रोलॉजी नज़र आ रही है, या फिर आपके लिए प्रेजेंट जो भी समय चल रहा है कुछ दिनों की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों में आपके पास कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पर आपके पास एस्ट्रोलॉजी या टैरो सीखने का मौका होगा। तो मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी मिल रही है, वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स और हमारे पास है यहाँ पर द फूल, ये तीन कार्ड अपने आप ही निकले थे। आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी बनते चले जा रहे हो अपने आप के साथ, शायद पहले आप नहीं थे इतने, लेकिन अब आप जैसे आप कह रहे हो कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं अकेला भी रह सकता हूँ, मुझे फेक फ्रेंडशिप्स या फेक रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। ये भी पॉसिबल है पाल टू कि आप में से बहुत सारे लोग अपने थर्ड चक्रा पर काम कर रहे हैं, उसकी कोई मेडिटेशन सोलर प्लेक्सस के चक्रा की, और उसकी वजह से भी कभी कभी हम अपने आप के साथ यू नो कंफर्टेबल होने लगते हैं, हमें डर नहीं लगता कि हम अकेले रह गए हैं या पीछे रह गए हैं। कंपटीशन का भाव भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कम होता चला जा रहा है आपका। टू ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करंट सिचुएशन में बहुत पीस क्रिएट कर रहे हो, आपके जीवन में जो जो उजाला आया उसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जो रात आई उसके लिए आप यू नो पीस क्रिएट कर रहे हो कि हाँ उस दौर ने भी उस समय ने भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। तो आप यहाँ पर पीसफुल बनते चले जा रहे हो करंट सिचुएशन में। और फूल से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अननोन, जैसे फ्यूचर की ज़्यादा चिंता है ही नहीं आपको, आप कह रहे हो कि लिव इन द नाउ, यही मेरी फिलॉसफी है, मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और जैसे जैसे चीज़ें अपने आप को अनफोल्ड करती चली जाएंगी मैं उन्हें एक्सेप्ट करता चला जाऊँगा। आपका माइंड सेट यू नो वैसा होता चला जा रहा है और उसकी वजह से आपको मुझे यहाँ पर बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। इसके हाथ में भी जो फ्लावर पकड़ा हुआ है वाइट और येलो कलर का, जैसे ये बहुत ही कुछ ब्लॉसम हो रहा हो, कुछ यू नो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, लॉयल्टी डॉग्स, लॉयल्टी, बहुत सारा एशेस से कोई फिनिक्स एनर्जी, कोई एशेस से ही दोबारा उसने यू नो जन्म लिया हो। आपको प्रेजेंट टाइम में जितना हो सके अपनी बॉडी पर काम करना चाहिए पाल टू, क्योंकि ये जितना प्रोसेस है अपनी बॉडी को फिट करना, मजबूत बनाना, ये पूरा प्रोसेस भी आपको और सारे आंसर्स लेकर आएगा आपके लिए। जब हम बॉडी पर भी काम करते हैं तब भी हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, यू नो जब हम, क्योंकि हमारी सांस फूली हुई होती है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जिम में या यू नो भागना कुछ भी, जिससे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जो भी है, तो वो हमको बहुत प्रेजेंट मोमेंट में रखता है। एंड आई फील लाइक कि आपका यही मोटो है फिलहाल करंट सिचुएशन का। मुझे ये मैजिशियन से आई डोंट नो क्यों मुझे बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जैसे वो आपको काफ़ी इंस्पायर करती हैं। आप जैसे आप कह रहे हो कि जैसे आप इंस्पिरेशन को ढूंढ रहे हो, जो ट्रू वैल्यूज़ हैं जो हमको एक यू नो गुड ह्यूमन बीइंग बनने में मदद करती हैं, जो हमें हमारी पर्सनल पावर, हमारा ट्रू वर्जन बनने में हमारी मदद करती हैं। आई फील लाइक कि प्रेजेंट सिचुएशन में आप उसी इंस्पिरेशन को ढूंढ रहे हो यहाँ पर, और उस पूरे प्रोसेस में आप पीस क्रिएट कर रहे हो, हील कर रहे हो यू नो अपनी लाइफ को। लेट्स सी आपके एंजल्स यहाँ पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू।
One more time, please. And Shunya. We have Isis. Magic manifesting. Your dreams, visions, and goals are becoming reality. Stay focused. तो आपको यहाँ पर मैसेज यही दिया जा रहा है, इसी वजह से शायद ये एफर्टलेस एनर्जी भी है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो रहा है, यू नो, पकड़, वो अटैचमेंट नहीं थी आपकी आपकी मैनिफेस्टेशन के साथ, आपके ड्रीम्स के साथ. और जब भी वो अटैचमेंट नहीं होती है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, अदरवाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रेजिस्टेंस आ जाती है. और आपने क्योंकि उसी डिटैचमेंट, उसके साथ डिटैचमेंट किया, उसी वजह से यहाँ पर अब आपके लिए मैजिक मैनिफेस्ट हो रहा है. तो हमें यहाँ पर होप क्या दी जा रही है कि आपका जो भी सपना है, आपका जो भी विजन, जो भी गोल आपने अपने आप के लिए निर्धारित किया है, अब आप उसकी मैनिफेस्टेशन को देखोगे. हमारे पास मैजिशियन का भी कार्ड है, राइट. वी हैव वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली वूंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत सारा जो आपका आपकी फैमिली के साथ की जो रिलेशनशिप है उसको भी काफी हील कर रहे हो. पाल टू, आप जैसे अगेन तू तू नहीं है, मैं हूं. आप जैसे अपने आप में कमियां ढूंढ रहे हो, आप कह रहे हो कि नो, बहुत हो गया दूसरों के ऊपर दूसरों को कहना, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ अपने भीतर सुधार. और उसकी वजह से आप अपनी फैमिली, किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी यहाँ पर यू नो बहुत पीस क्रिएट कर रहे हो. यहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होने को भी कहा जा रहा है, तो आप उनकी उनके लिए कोई स्पेशल प्रेयर कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं से आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी गाइडेंस मिल सकती है. लेट्स सी आपके फ्यूचर के क्या गोल्स होने चाहिए और उसको ध्यान में रखकर आपको क्या एक्शन लेना चाहिए यहाँ पर. थैंक यू. टेन ऑफ कप्स था यहाँ पर. थैंक यू. One more time, please. And Shunya. We have Four of Swords. Adjustments. वो मुझे कह रहे हैं adjustments. अगर current situation में अगर आपका कोई भी plan बदलने का कुछ बने ऐसा सीन कि जहाँ पर आपको आपको लगे कि हाँ मुझे मेरा plan बदलने की ज़रूरत है, spirit कह रहे हैं उसको बदलना. उसमें डरना नहीं कि उफ मैंने तो ये निर्धारित किया था अपने आप के लिए और अब ये सिचुएशन बदल रही है तो अब मैं क्या करूं. स्पिरिट कह रही है कि कोई बात नहीं, तुम एडजस्ट कर सकते हो, प्लान बदल सकते हो, तब भी तुम्हें तुम्हारी जय देखने को मिलेगी, तुम्हारी सक्सेस देखने को मिलेगी. ओके तो ये भी अगेन सरेंडर का कार्ड है, एक्सेप्टेंस का कार्ड है. ये आपका एंड गोल होना चाहिए जहाँ पर आप पीस में हो. बेसिकली धन दौलत सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन जो मन की शांति है वो आपका मेन गोल होना चाहिए यहाँ पर. लुक, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड. वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स. यहाँ पर एक चीज मुझे ये भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर करंट सिचुएशन में आपको इस तरीके से भी आगे बढ़ना है कि अतीत के बहुत चकन्ने रहने की जरूरत है कि अतीत के जो पैटर्न्स हैं, जो डिफीट है, वो अपने आप को दोहरा ना सके. या फिर आपको ऐसी बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है कि ये जो अतीत से कुछ लोग आते हैं आपके सारे प्लान्स को खराब कर देते हैं, आपके ड्रीम्स को, आपको लेजी बना देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं, आप उनको इजाजत ही ना दो ताकि वो आपके इन पॉजिटिव आउटकम्स को खराब ना कर सकें. तो पैटर्न्स रिपीट नहीं होने चाहिए. स्पिरिट इस बात के बारे में हमें जानकारी दे रही है. तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट सिचुएशन में एक्शन लेने हैं, चुकन्ने रहना है बेसिकली. यस, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव टू ऑफ कप्स. स्पिरिट यहाँ पर कह रहे हैं कि बी होपफुल, यू नो कि होपफुल रहिए कि ट्रू लव आपका, आपका जो ट्रू लव है वो आपके लिए मैनिफेस्ट, आप वही मैनिफेस्ट चाहते, मैनिफेस्ट होता हुआ देखना चाहते हैं.
क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पर करंट सिचुएशन में आपको अपनी सेल्फ लव को थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए। जितना आप अपने अंदर बैलेंस को लेकर आएंगे, उतना ही इजी होगा आपके लिए अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट कर पाना यहाँ पर। और एस ऑफ वॉन्ड से ये एक किस्म की ब्लेसिंग भी है और एक किस्म की तैयारी करने को भी कहा जा रहा है कि भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ, बहुत बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। तो फिलहाल आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा मेंटली, जैसे अपने आप को एक CEO या एक एंटरप्रेन्योर के रूप में ही देखो, क्योंकि आपके लिए भविष्य में यही सब कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। वॉन्स का कार्ड जो होता है ये बिजनेस की एनर्जी को लेकर आता है, तो फ्यूचर में आप बहुत बिजी रहने वाले हो, तो उसी तरीके से आपको फिलहाल एक्शन लेने की ज़रूरत है, खुद को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि जब ये समय आए मैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली रेडी हूँ और मेरे लिए वो ओवरवेलमिंग ना हो जाए। बेसिकली यही मैसेज है यहाँ पर। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू। वर्ल्ड कार्ड से मुझे यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल रहने वाले हो, लाइफ टाइम वाले एक्सपीरियंसेस, जो कभी कभी हमारी लाइफ में आते हैं। तो आप एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हो जहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है और इस वजह से भी यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है हाई वाइब्रेशन को चूज़ कीजिए, हाई वाइब्रेशन के लोगों को चूज़ कीजिए या फिर एकांत में ही बैठे रहिए अगर आपको ऐसे लोग नहीं भी मिलते हैं। आपको यहाँ पर एट ऑफ कप्स में जिन लोगों को अलविदा भी कहना पड़ रहा है किसी कारणवश, आई फील लाइक कि एक वक्त पर वो आपके लाइफ में दोबारा आने की कोशिश करेंगे। उसका रीज़न ही यही है कि आप किसी मुकाम पर पहुंचने वाले हो, वो मुझे कह रहे हैं, और वो अपने उस लालच की वजह से, क्योंकि आप किसी मुकाम पर पहुंच रहे हो तो फिर कुछ लोग वापस आना चाहते हैं ना, तो स्पिरिट यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आपको अगेन इमोशंस में नहीं बहना है, रिपीट नहीं करना है अपने आप को, क्योंकि आपकी हार देखकर कोई आपका साथ छोड़ दे और आपकी जीत देखकर कोई आपके साथ चल दे तो ये अपने आप में बहुत दोगली एनर्जी हो जाती है। वी हैव द फेस्टिवल क्रिएट्स एन एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट फॉर अ फैंटास्टिक पार्टी और इवेंट। मैं कह रही हूँ आपसे यहाँ बहुत सारी सेलिब्रेशन, बहुत सारी एक्सपेंसिव एनर्जी है। जब भी कोई त्यौहार होता है कैसे हम साज सजावट करते हैं, तो एक्सपेंसिव एनर्जी है, त्यौहार की ऊर्जा, सक्सेस की ऊर्जा, पार्टीज होना। ये पोटेंशियल है आपकी। यहां पर हमारे पास सी हीलिंग, ट्रू हीलिंग ऑफ द माइंड बॉडी एंड स्पिरिट एंड सोल। आपका बहुत कलेक्टिव काम है, जैसे कि आप अगर अपने पैराडाइम पर नए पैराडाइम्स लेकर आ रहे हो तो उससे क्या होगा, मनी का मान लीजिए आपने नया पैराडाइम लगाया है तो यही आपको हेल्थ का नया पैराडाइम लेकर आने में आपकी मदद करेगा, कि आपको इनकरेज करेगा कि हाँ अगर मैं मनी के पैटर्न को हील करना चाहता हूँ तो क्यों ना मैं अपनी हेल्थ को भी हील करूँ, मैं अपनी एबिलिटीज़ को हील करूँ, मैं अपनी शैडो को हील करूँ। तो जैसे बहुत एक के बाद एक काम चल रहा है आपका, तो सारा कलेक्टिव में होगा आपका माइंड बॉडी स्पिरिट का कंप्लीट इम्प्रूवमेंट जिसे कहते हैं। फाइनल कार्ड है यहाँ पर हमारे पास क्रिएटिविटी नंबर 7। अगेन नंबर 7 बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है। चक्रा हीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, पाल 2। और क्रिएटिविटी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है जितना हो सके अपनी इनर चाइल्ड को या तो हील करो या फिर जो भी आपकी हॉबीज़ हैं जिनको आपको लग रहा है कि हाँ ये सिर्फ हॉबीज़ हैं, इनके साथ कुछ और नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि अगर इन्हीं हॉबीज़ को थोड़ा सा तराशा जाए, थोड़ा सा इन्हें वक्त दिया जाए तो उनको किसी सोर्स में बदला जा सकता है।
उससे कोई ना कोई रेवोल्यूशन, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है आपकी क्रिएटिविटी से। ये गुफा में बैठा अपना काम कर रहा है, लेकिन जब ये गुफा से बाहर निकलेगा इसके पास कुछ होगा शेयर करने के लिए, राइट? तो फिलहाल काम कीजिए अपनी क्रिएटिविटी पर और फिर आपको मैजिक देखने को मिलेगा। तो यस पाइल टू, ये आपकी रीडिंग है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके कुछ लेसन्स अभी भी बाकी हैं, हालांकि कुछ स्ट्रगल आपकी करंट सिचुएशन में भी चल रही है। इसको करते रहिए, इसको करते रहिए, समय समय पर आपको गाइडेंस भी मिलेगी, ट्रस्ट मी, खास करके आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। तो या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाइल टू, आपकी रिपोर्ट कार्ड ए प्लस प्लस, ठीक है। गॉड ब्लेस यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। ये आपकी रीडिंग है। अगर ये आपके लिए यूज़फुल रही है, प्लीज़ इसे अपने जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ शेयर कीजिएगा, अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और या अपना ध्यान रखिएगा पाइल टू, मैं मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। हाय ऑप्शन थ्री, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी फ्लावर को चूज़ किया है, लेट्स सी आपकी रिपोर्ट कार्ड आपके बारे में क्या कहती है। सबसे पहले हम पास्ट की एनर्जीज को यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो शफल करते हैं ऑप्शन थ्री के लिए, मैं टू कहने लगी थी, ऑप्शन थ्री, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। वी हैव गार्नेट, इग्नाइट योर पैशन, कार्नेलियन, फीड योर क्रिएटिविटी, आई थिंक पाइल थ्री आपने पास्ट में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, जहाँ पर आपको फेम, जिसकी वजह से आपको फेम मिल सके, सक्सेस मिल सके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में आपने अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग के ऊपर भी बहुत ध्यान लगाया है। जब भी क्रिएटिविटी की बात आती है वो मुझे हमेशा ही यू नो इनर चाइल्ड की तरफ ले जाते हैं। तो आई थिंक आपने पास्ट में अपने इनर चाइल्ड को हील करने की बहुत कोशिश की है। ऐसा भी है कि शायद आपके बचपन के जो हादसे रहे हैं, जिन भी लोगों को आपको माफ़ करने की ज़रूरत थी आपके बचपन में जो भी हुआ, उसको लेकर भी आपने बहुत काम किया यहाँ पर। We have Chrysocolla, start fresh. Yes, ये संभला हुआ पायल है। इसने देखा भी बहुत कुछ होगा इस पायल ने लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद ये संभलना सीख गए धीरे धीरे धीरे। और आपने जैसे न्यू बिगनिंग को पास्ट में कहीं ना कहीं क्लेम किया, आपने कहा कि हाँ ये मेरी न्यू बिगनिंग है, मुझे एक्शन डालना है और मुझे खुद को हील करना है। और उस पूरे प्रोसेस में आपने इनर चाइल्ड हीलिंग की है। यहाँ पर कोई तो एक ऐसा पर्सन है जो या तो जिसने आपको गलत तरीके से छुआ, या फिर उसने आपको बहुत आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर आपको हर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उस पर्सन को यहाँ पर फॉरगिव किया है। ये संभला हुआ पायल है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि पास्ट में आपको स्पिरिट ने बहुत सारे मिरेकल्स भी दिखाए हैं पाल थ्री, बहुत सारे मिरेकल्स। जब मैं ये कहूँ ना बहुत सारे, माने कि वो मुझे कह रहे हैं कि बहुत सारे मिरेकल्स। ये पॉसिबल है कि आपने पास्ट में, रीसेंट पास्ट में आप में से कुछ लोगों ने अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को भी डिस्कवर किया है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ क्या हैं, और उसकी वजह से अब आप स्पिरिट को महसूस कर पाते हैं, स्पिरिट को सुन पाते हैं, कुछ लोग देख पाते हैं, और कुछ लोगों ने रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी में टैरो को समझना शुरू किया है या ओरेकल कार्ड्स के साथ काम करना शुरू किया है। लेकिन यहाँ पर किसी की न्यू बिगिनिंग पास्ट में हो चुकी है, कोई सही ट्रैक पर है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पाल में बहुत ज़िद्दी लोग हैं, बहुत ही ज़िद्दी, और ख़ास करके ऐसे लोग जिन्हें गुस्सा बहुत आता है। लेकिन आपका बहुत साइलेंट हो सकता है ये, माने कि आप ऐसे सराउंडिंग्स में, ऐसे इन्वायरमेंट में हो सकते हैं जहाँ पर वो जाहिर नहीं कर पाते आप
पूरे तरीके से। लेकिन धीरे 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 आपने इस चीज़ को हील करने की कोशिश की है। समहाउ मुझे जो शब्द यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि डिसऑर्डर, किसी किस्म का डिसऑर्डर, कुछ ट्रीटमेंट भी चला है इस पायल का, या फिर रिसेंटली आपने किसी ऐसे रिसेंट पास्ट में किसी ऐसे फील्ड को चूज किया है जहां पर ट्रीटमेंट है, किसी किस्म की हीलिंग है, जहां पर मसाज थेरेपिस्ट, काउंसलर, क्रिस्टल हीलर। ये संभला हुआ पायल है। सी वी हैव रोज क्वार्ट्ज़, ओपन अप योर हार्ट। यस, आपका हार्ट चक्र अवेकनिंग हो चुकी है पाल थ्री। आप अच्छे लोग हो, आप प्यारे लोग हो, स्वीट एनर्जी, वेरी स्वीट। हालांकि हम ये कर तो रहे हैं रिपोर्ट कार्ड की रीडिंग यहाँ पर, लेकिन स्पिरिट एनिमल आ रहे हैं, हिरन आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही खास करके ये एडल्ट हिरन नहीं है, बच्चा, जैसे हिरन का बच्चा हो यहाँ पर, वो स्पिरिट आ रही है और वो आपसे, आपको जो मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं यू आर सेफ नाउ। या आपने पास्ट में अपने हार्ट चक्र पर बहुत काम किया, बहुत फॉरगिवनेस, एक ऐसी फॉरगिवनेस जहाँ पर मुश्किल होता है, क्योंकि घाव ऐसे दिए गए होते हैं हमें कि हमारे लिए मुश्किल होता है फॉरगिव करना, बट आई फील लाइक कि आपने पास्ट में फॉरगिव किया है। शायद सबसे ज़्यादा काम ही आपका फॉरगिवनेस के साथ रहा है, खुद को भी शायद आपने बहुत फॉरगिव किया है। यस, वी हैव लैपिस लजूली, मेक अ डिसीजन। आपने जैसे वो तय किया ना, आपने कहा कि कब तक इस भार को ढोता रहूँगा या रहूँगी, एक वक्त पर जाकर तो शून्य में जाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी कर लूँ। तो या आपने फॉरगिव किया है यहाँ पर। मैं बार बार ये शब्द इस वजह से ही रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे यही एनर्जी मिल रही है, ट्रस्ट मी, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही स्वीट एनर्जी है, बहुत ही स्वीट। पॉसिबल है कि आपको स्किन प्रॉब्लम्स भी रही हों पास्ट में, जब भी ये पूरा फॉरगिवनेस का आपका चल रहा था, आपके छाले बहुत बन रहे होंगे, या आपकी बॉडी बॉयल, जिसे हम कहते हैं ना कि एक्ने की प्रॉब्लम, या पीठ पर एक्ने आ जाना, थाइस पर कोई ना कोई एलर्जी, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया उस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि हम उस जहर को जो हमारे इतने समय तक हमारे भीतर पल रहा होता है, जब हम उसको हम कह रहे हैं कि अब मुझको इस जहर में नहीं जीना, तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स बहुत रही होंगी रीसेंट पास्ट में। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत रिसेंटली ही शायद फोन चलाना शुरू किया है, मुझे ये भी नजर आ रहा है, एकदम से आपने शायद टेक्नोलॉजी को, फोन को स्विच ऑफ करके रख दिया था, बहुत आप हर्मिट एनर्जी में भी चले गए थे। ये भी पॉसिबल है कि आप में से रिसेंटली कुछ लोगों को ये पता चला है कि आपको कुछ फूड है जिनसे आपको एलर्जी है, ग्लूटेन फ्री डाइट, या फिर आपने मिल्क इसको क्विट किया है रिसेंटली। ये बहुत हीलिंग एनर्जी है, जहाँ पर हम हील हो रहे होते हैं किसी भी किसी ना किसी तरीके से, और आपका ऑरा भी वैसा होता चला गया। लेकिन ये मुझे मेन यही दिखा रहे हैं कि पास्ट में आपने फॉरगिव बहुत किया है, बहुत फॉरगिवनेस की है आपने। लेट्स सी आपके प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। इट्स लाइक ये एनर्जी पता है कैसी है, जिसमें मैं चुप रहना चाहती हूँ। आप समझते हो, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी होती है कभी कभी कि आप नहीं बोलना चाहते, आप कह रहे हो कि नो, बस मुझे महसूस करना है इस एनर्जी को, शांत है ये एनर्जी, कुछ भी बताना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, बस सब्र कर लिया, बस पीस क्रिएट कर लिया। वेरी नाइस। शायद आप इन दिनों काफी साइलेंस के साथ ही काम कर रहे हैं। थैंक यू पाल थ्री। ओह कम ऑन,
Look, we have Three of Wands and we have Seven of Swords. See, Three of Wands, इसको अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ही तपस्वी, बहुत ही कोई चूज कर रहा है, यू नो, कोई चूज कर रहा है फ्रीडम को. ये फ्रीडम आएगी कैसे अब? ये फ्रीडम आएगी साधना से. ये मुझे बहुत ही बुद्धिस्ट चोला दिखा रहे हैं, वो जैसे रेड कलर का मॉन्क एनर्जी. मॉन्क एनर्जी समझते हो? तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी में आप ऐसे हो. ये एनर्जी आपके इर्द गिर्द हो सकती है लेकिन आपको छू नहीं सकती अब, इसी वजह से वो छुपा रहा है. ट्रेडिशनल टैरो में जो सेवन ऑफ सोल्स है, वो कुछ छुपा नहीं रहा, वो आमने सामने, वो उसको लेकर भाग रहा है. यू नो, जो उसने जो भी उसने चोरी की है, जो भी उसने डाका डाला है, उसको लेकर वो भाग रहा है, लेकिन यहाँ पर उसे छुपा रहा है. आई फील लाइक कि आपके इर्द गिर्द जो लोग भी हैं ना, वो भी जाग रहे हैं, उनकी भी अवेकनिंग हो रही है आपकी वजह से. सिर्फ आप ही नहीं जाग रहे हो पाल थ्री, आपकी वजह से जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो भी जाग रहे हैं. तो पहले आपको जिन चीज़ों को लेकर खुद को डिफेंड करना पड़ रहा था, अब आप नहीं कर रहे, और इसका एक इम्पैक्ट, एक असर है जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना उनके ऊपर, क्योंकि वो भी पहले रेजिस्टेंस में थे आपकी वजह से. आप पहले डिफेंड कर रहे थे, डिफेंड डिफेंड डिफेंड, लेकिन अब आप डिफेंड करना छोड़ दिया, आपने आपने छोड़ दिया साइलेंस. और साइलेंस ना ज़्यादा ताकतवर होती है शब्दों से. शब्द चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे आप दुनिया की सबसे खूबसूरत वोकैबुलरी में से कुछ शब्द निकाल कर एक लाइन को तैयार करें, लेकिन साइलेंस उससे ज़्यादा हमेशा खूबसूरत होगी, उससे ज़्यादा पावरफुल होगी. एंड आई फील लाइक कि आपकी साइलेंस जो है वो दूसरों की अवेकनिंग का कारण बन रही है यहाँ पर. आप बता नहीं रहे किसी को कि देखो तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये मिस्टेक है, तुमने ये गलत किया. नो, आपकी साइलेंस जैसे उस बंदे को अंदर से चीर देती है, और उस अंदर सामने वाला पर्सन कहता है कि हाँ मैंने गलती की. जैसे आपके आप जैसे इतने डिवाइन बनते चले जा रहे हो, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल बनते चले जा रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत सारा समय साधना में जाता है. अगर ये कॉन्शियस नहीं है तो जब आप सोते भी हैं, शायद आप बहुत ही ज़्यादा डीप स्लीप है आपकी, और आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो डिफरेंट डायमेंशंस को. ये बर्ड्स जो है ना, लिटरली ये है इनलाइटनमेंट मेरे लिए कि फ्रीडम. इस डेक में ये कोई ट्रैवल के बारे में बात नहीं करता, इसी वजह से मैं अलग अलग टैरो डेक के साथ भी काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि हर डेक का अपना मैसेज है एक, राइट? इसमें ये साधना है, इसमें ये फ्रीडम है. साधना के द्वारा आपको फ्रीडम मिलना. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सब रहता चला जा रहा है आपके अंदर. सभी नाइट्स में सबसे ज्यादा स्लो होता है ये. इसको ये सुनना भी बहुत पड़ता है, तुम बहुत स्लो हो, तुम बहुत धीरे धीरे काम करते हो, लेकिन वो मुस्कुराता है और वो कहता है कि हाँ यही प्रोसेस है, यही मेरी यात्रा है, और इसी यात्रा के द्वारा मैं कुछ सीखूंगा. मैं पेशेंस सीखूंगा, स्लो डाउन होना. मुझे किसी कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं, मेरी अपनी यात्रा है, मेरा अपना मार्ग है. और जैसे वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल है, तो इस वजह से कुछ जो भी बातें हैं जो उसके बारे में कही जाती है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बारे में, कछुआ छाप है जी, ये बहुत स्लो चलता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी एनर्जीज में है, क्योंकि उसे पता है कि यही उसकी डेस्टिनी है. तो क्यों उसके साथ वो फाइट करे? पेशेंस बहुत बन रहा है आपके अंदर, पेशेंस, बहुत धैर्य, बहुत ही ज़्यादा. यकीन मानिए आपको रिवॉर्ड्स भी इसके बहुत मिलेंगे, लेकिन जिस एनर्जी में आप हो, मुझे नहीं लगता कि आपको रिवॉर्ड्स का कुछ ज़्यादा है भी यहाँ पर अब. लेकिन जब हम ऐसी एनर्जी में होते हैं ना, तब ईश्वर हमारे ऊपर, तभी हमें वो ट्रू ब्लेसिंग्स भी देखने को मिलती हैं. तो आई फील लाइक कि आप बहुत सारी अबंडेंस को जाने अनजाने में यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन जो असली दौलत है आपकी वो यही है कि मन का सुकून, मन की शांति, धैर्य. बाहर क्या है वो ज़्यादा मायने नहीं रख रहा, भीतर क्या है
वो चीज़ यहाँ पर आपको ज़्यादा मायने रख रही हैं। आई डोंट नो मैं इसको कैसे और एक्सप्लेन करूँ इस एनर्जी को। आई विश कि मेरे पास कुछ और अच्छे वर्ड्स होते। ट्रस्ट मी, आई रियली विश कि मेरे पास कुछ और वर्ड्स होते यहाँ पर। बहुत ग्राउंडेड एनर्जी भी है, बहुत ही ज़्यादा एम्पथी बहुत बन रही है, ख़ास करके जो समाज का ऐसा वर्ग है मान लीजिए जो शायद उतना यू नो ब्लेस्ड नहीं है, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं वहाँ से भी आ रही है जो एम्पथी है। करंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है, मान लीजिए आपके घर में कोई कूड़ा उठाने वाला आता है तो आपका उसके प्रति जो फीलिंग्स हैं वो भी आपको निखारने में मदद कर रही हैं कहीं ना कहीं, वो एम्पथी। जानवर अगर आप देखते हैं कोई हर्ट है और वो लंगड़ाकर कोई जानवर चल रहा है रास्ते पर, वो एम्पथी जिसको देखकर आपको लगता है कि वाह मतलब ये कितनी तकलीफ में है ये, यू नो आप जैसे अपने माइंड में अगर ये बात कह रहे हो तो आई रियली डोंट नो गाइज, मैं इसको और कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैं महसूस कर पा रही हूँ, बस कुछ कह नहीं रहे हो लेकिन ले सब कुछ रहे हो, और वो सारी फीलिंग्स आपको क्या से क्या बना रही हैं, मैं क्या कहूँ उसको। ओह गॉश, एक ना एक पायल होता ही है ऐसा। We have Princess of Desk, Page of Pentacles. ये आपकी mature self, ये आपकी inner, आपका inner child आपका रूबरू हो रहे हैं और literally आप उसको कह रहे हो कि हाँ तुम you're safe now, क्योंकि forgive मैंने कर दिया, तुमको आज़ाद कर दिया मैंने। ऐसा लग रहा है करंट एनर्जीज में, करंट सिचुएशन में आप बहुत बड़ी अलग अलग किस्म के शिफ्ट से भी गुजरोगे, जहाँ पर वो ड्रास्टिक चेंज की हम बात करते हैं। आपका करियर मान लीजिए अच्छा खासा चल रहा है लेकिन एक दिन बस रियलाइजेशन हुई आपको, आपने कहा कि नहीं करना, अब नहीं करना इस करियर को, कुछ और करना है, यू नो ये वैसी है। और ये बहुत साइलेंट एनर्जी है, अगेन इसका कोई शोर ढिंडोरा नहीं है कि मैंने आज ये अगर कुछ किया है तो उसका सोशल मीडिया पर पहले पोस्ट डालूं, ये वैसा नहीं है, ये दिखावा नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। कोई बिल्कुल अपनी ट्रू सेल्फ को जी रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी, एक होता है ना कि जब हम अपने सच को जीने लगते हैं एक ख्वाहिश जागती है कि क्यों ना मैं दूसरों को भी हेल्प करूँ, दूसरों को भी टीच करूँ, यहाँ पर वो ख्वाहिश भी नहीं है, यहाँ पर वो ख्वाहिश भी नहीं है कि मुझे किसी को कुछ बताना है कुछ सिखाना है, बस इट्स लाइक मैंने सच को जान लिया और आप उसे जी रहे हो। जैसे बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी, या वी हैव एट ऑफ पेंटिकल, अपने काम से मतलब, कोई क्या कर रहा है किसी को जज नहीं करना, किसी को कोई एडवाइस नहीं देनी बिना बात के, कोई मांगे तो दे दो नहीं तो नहीं, यू नो वैसी एनर्जी है। लुक वी हैव एट ऑफ वॉन्स, आप रेडी हो, आप यहां पर तैयार हो रहे हो लिटरली, यू नो जो हम बात करते हैं जो पर्पस है स्पिरिचुअलिटी का, हु एम आई, उसका परफेक्ट आंसर, उसके लिए यहाँ पर तैयारी चल रही है आपकी, वो मिल रहा है आंसर आपको, वो बढ़ रहा है आंसर आपकी तरफ। हु एम आई, एट प्लस एट इज इक्वल्स टू 16, 16 को अगर आगे जोड़ें तो 7,
ये ग्रेस है, मैं इसको ग्रेस बोलती हूँ. आई डोंट थिंक कि मैंने ये शब्द को पहले कभी इतना यूज़ किया है अपनी रीडिंग्स में, लेकिन ग्रेस, गुरु की ग्रेस, या कहते हैं ना जैसे माई गुरुज ग्रेस, लाइट. वो बढ़ रही है आपकी तरफ. वाई? क्योंकि आप पीस क्रिएट कर रहे हो. लेट्स सी आपको एंजल्स क्या यहां पर कहना चाहते हैं. वी हैव द शकीना, लुक द सेक्रेड सेल्फ, फ्री, फ्रीडम, फ्रीडम. Unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. Gaia, माँ की एनर्जी, और माँ से ज्यादा यू नो अच्छे से फॉरगिव कोई नहीं कर सकता. माँ वहाँ जल्दी फॉरगिव कर देती है. यू नो आप कोई बड़ा सा बड़ी गलती भी कर देंगे, आपकी माँ के लिए आप उसके बच्चे ही हो, राइट? बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड. मैंने कहा आपको बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है. ये एडवाइस मुझे नहीं लग रहा कि आपको फिलहाल अप्लाई करने को कहा जा रहा है. ये एडवाइस आपके लिए भविष्य में अप्लाई होगी. ये मुझे करंट एनर्जी की एडवाइस नहीं लग रही. फिलहाल आप बहुत ज़्यादा साधना में हो और आप उसी में रहना भी चाहते हो और आपको उसमें रहना भी चाहिए. जब तक ये नहीं हो जाता, इस प्रोसेस को होने दीजिए. उसके बाद यू नो आप इस गाइडेंस को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, शेयर योर गिफ्ट्स, यू नो. और यहाँ पर धरती के लिए कुछ करना. लिटरली ये लाइट वर्कर्स हैं. मैं क्या कह रही हूँ, मतलब ये लाइट वर्कर्स हैं. ये स्टार सीड्स हैं. इसमें लाइट वर्कर्स हैं, इसमें चोजन वंस हैं, सेंट एनर्जी है इसमें. तो या आप जब चाहें इसे अप्लाई कर सकते हैं. मैं और क्या कहूँ पालत्री, मैं निशब्द हूँ. मैं लिटरली हूँ. और मैं इसको बिल्कुल भी एडिट करके, मैं चीज़ों को मैनिपुलेट करना पसंद नहीं करती हूँ. जो जैसा मैसेज है वो उसी वजह से आया है कि किसी को सुनने की ज़रूरत है, राइट? उस प्रोसेस में अगर कुछ लोग ऑफेंड होते हैं, हो जाएं, यहाँ पर किसी को इम्प्रेस करना या ऑफेंड करना पर्पस नहीं है. यहाँ पर है जो बताया जा रहा है मुझे, मैं अपने काम के साथ बेईमानी ना करूँ. तो ये ऐसे ही जाएगी, ओके? ये पूरी इन्फॉर्मेशन किसी के लिए तो है यहाँ पर, मुझे इतना पता है. ये मैसेज किसी के लिए तो है. लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस. फ्यूचर गोल्स, चैरियट, सक्सेस. एक वक्त पर जागना पड़ेगा आपको यहाँ पर. फिलहाल आप कह रहे हो कि नो, आप चूज कर रहे हो अपनी फ्री विल का. इस वजह से मैं कह रही हूँ ठीक है, फ्री विल का इस्तेमाल करना अच्छी बात है. आप चूज कर रहे हो इसे, लेकिन एक वक्त पर आपकी डेस्टिनी ये है. आपकी चर्चा है आपके काम की, आपकी ईमानदारी की, आपका जितना भी काम है सबकी चर्चा है. और ये जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने किया है, वो आपको स्प्रेड करना है. स्प्रेड तभी रथ दिया जाएगा आपको. आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होगी, वो स्टेज होगी, वो प्लेटफॉर्म होगा, वो जरिया होगा, रिसोर्सेस होंगे जिसके थ्रू आप वो सब कुछ कर सकें. ये कोई किताब हो सकती है, क्योंकि इसके हाथ में वो नोक सी पकड़ी हुई है ना. कभी कभी ये कैंडल होती है, कभी कभी ये कलम हो सकती है, कभी कभी तलवार हो सकती है. कुछ ना कुछ होगा आपके पास जिसके ज़रिए आप यू नो ये मुमकिन कर पाएंगे. लुक, सिक्स ऑफ वांड्स. मुझे लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं. आई स्वेयर टू गॉड. Six of Wands. respect, yeah. Respect. Ace of Cups. Nine of Swords. And
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये भी मदर एनर्जी है, मैं इसको हमेशा मदर एनर्जी गिनती हूँ. आई फील लाइक कि आपका लाइफ पर्पस ही मतलब फॉरगिवनेस के इर्द गिर्द है. यही शायद आपको टीच करना है, और आप यही जो प्रेजेंट में कर रहे हो उसके आउटकम्स भी आपको भविष्य में यही देखने को मिलेंगे. और ये जो है ना, इसमें धोखा मत खा जाना कि ये नाज क्या दोबारा से मैं परेशान होने वाला हूँ. नहीं, ये आपकी परेशानी नहीं है, दुनिया की परेशानी. कम बैक टू अर्थ. लोगों के दर्द आपको परेशान करेगा, और वही दर्द आपको पोक करेगा कि कुछ अच्छा करो, कुछ कुछ रोशनी रोशनी दिखाओ, रोशनी शेयर करो, क्योंकि दुनिया को ज़रूरत है, धरती को ज़रूरत है हीलर्स की. और आप वो हील करोगे. एस ऑफ कप्स क्या है ये? एस ऑफ कप्स को मैं हमेशा ही हीलिंग का कार्ड मानती हूँ. ये दूसरों की परेशानी है जो आपको तंग करेगी, और आपके लिए वो बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने वाले हो. कोई यहाँ पर अपना बना बनाया करियर भी छोड़ सकता है. हालांकि वो आपकी आपकी मर्जी है, ना तो स्पिरिट आपको कोई आपकी फ्री विल छीन रही है, ना ही कोई और. तो लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पर कोई बना बनाया करियर छोड़कर कोई बहुत ही ऐसा काम करना जो उसे पता है कि ये मेरी कॉलिंग है, और इसकी मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करूँगा. मैं, ये मेरी कॉलिंग है, मुझे ये जीना है, इसका मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं दूंगा. बेसिकली ये एनर्जी है. आई रियली डोंट नो मैं और क्यों कार्ड्स ले रही हूँ आपके लिए. ज़रूरत है तो नहीं, लेकिन एक पैटर्न मैंने हर यू नो पाइल के लिए चूज़ किया है. बस मैं उसी पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ. बट आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा मैसेजेस की ज़रूरत है. वी हैव लेब्रियांड ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल ऑफ बीइंग, रेजिंग योर एनर्जेटिक वाइब्रेशन, एनलाइटनमेंट. सी, इसको सुनते हुए भी अगर किसी को लगा कि नाज नाज जो है वो बोलती रहती है, उसका क्या है? नाज बोलती नहीं रहती. नाज को जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, नाज वही जाहिर करती है. तो ये कुछ लोगों के वहम का इलाज है. यहाँ पर स्पिरिट लिटरली मेरी बात पर मोहर लगा रही है इस कार्ड के साथ. लेकिन स्टिल अगर आपको ये लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए, ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है, तो नहीं है. लेकिन कुछ लोगों के लिए हैं, और मुझे पता है ये कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हैं. वी हैव फिलोसोफर स्टोन. मुझे एल्कमिस्ट याद आया क्योंकि इसका जिक्र यू नो द एल्कमिस्ट बुक में भी किया गया है. पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेज एंड गोल्स बाय हार्नेसिंग यूनिवर्सल एनर्जी. यस, शून्यता, यूनिवर्सल एनर्जी, यू नो, साउंड ऑफ साइलेंस, ओम. आपका मेन काम उन्हीं के साथ चल रहा है यहाँ पर. वी हैव, ओ माई गॉश, कम ऑन, रीबर्थ. वी हैव शिवलिंग. 21, नंबर 3, माइंड बॉडी स्पिरिट, फ्रीडम, 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 फ्रीडम. मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रही हूँ. मुझे नहीं पता मैं और क्या क्या कहूँ आपको. कभी कभी क्या होता है, जब आप ऐसे मैसेजेस डिलीवर भी करते हो, थोड़ा सा क्लीशे सा लगने लगता है ऑडियंस को. उनको लगता है कि पता नहीं ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा, और वो कभी कभी अपनी उन उस मैजिक के ऊपर विश्वास करना, वो कभी कभी कट हो जाता है उनका, यू नो. तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दूंगी. रीडिंग आपके पास है, ऑनलाइन मौजूद रहेगी हमेशा. जब भी मन करे देखो इसको, जो भी यहाँ पर समझ आए उसको अप्लाई करने की कोशिश करो. और गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू पायल थ्री. मैं और क्या कहूँ आपसे, आपको तो मुझको गॉड ब्लेस यू कहना चाहिए. आप इतनी हाई वाइब्रेशन में हो, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए. तो जिसने भी ये चूज़ किया है, गॉड ब्लेस यू लिखिए, गॉड ब्लेस यू नाज. ठीक है, ओके पायल थ्री, ये आपकी रीडिंग है. एंड आई होप कि आपके लिए यूजफुल रही हो. तो जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ शेयर कीजिएगा. अपना ध्यान रखिएगा, और मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. ठीक है, हाय पाइल फोर, वेलकम टू योर रीडिंग. तो जिन्होंने भी बॉक्सिंग ग्लव्स को चूज़ किया है, लेट्स सी आपकी रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है. सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी पास्ट की एनर्जीज को चेक करेंगे. ठीक है, तो शफल करते हैं कार्ड्स को. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज. एंड शून्य.
We have aquamarine, go with the flow. Nice. बहुत ही समर वाइब्स हैं इसकी. आई फील लाइक कि ये जो पास्ट की एनर्जी मैं यहाँ पर चैनल कर पा रही हूँ, ये रिसेंट, ये जो समर गई है अभी, यू नो, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो महीने हैं, ये मुझे उसकी एनर्जी लग रही है. सरेंडर किया है आप में से कुछ लोगों ने, गो विद द फ्लो. आपने जैसे चीज़ों को ज़्यादा सीरियस अगर पहले ले रहे थे, तो आपने रिसेंट पास्ट में आपने कहा कि अब मुझे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चीज़ों को. यू नो, अगर जितना सीरियस लूँगा या लूँगी उससे कॉम्प्लेक्स होती है मेरी लाइफ. ये रियलाइजेशन आपकी किसी की हुई है यहाँ पर पास्ट में, तो गो विद द फ्लो. हवा में उड़ा देना बात को, यू नो, जोक में उड़ा देना, तो बहुत ही आपका शायद आपने हंसने पर बहुत काम किया है. उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप पहले बहुत, इस पास्ट से पहले का जो पास्ट है उसमें आप बहुत शायद रोए हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए आपने कहा कि अब मुझे हंसना है, यू नो. तो आपकी रीसेंट पास्ट की एनर्जी यही आ रही है कि आपने अपने आप को हंसाने का बहुत काम किया है, खुद को हील करने का इजाज़त दी जैसे खुद को. सेल्फ लव भी बहुत यहाँ पर कुछ लोगों ने किया हो, पॉसिबल है. वी हैव सन स्टोन, टेक प्लेजर इन द थिंग्स यू डू. या छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी, यहाँ पर आपका जो यू नो, एक होता है ना कि जूम इन जूम आउट, तो यहाँ पर जैसे किसी ने बहुत ही सूक्ष्म कर लिया और उसको समझा कि छोटी छोटी चीज़ें, मैं क्यों भाग रहा हूँ बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे, असली सुख तो छोटी छोटी चीज़ों में है. तो रिसेंट पास्ट में या पास्ट की एनर्जी में आपने इसी ऊर्जा के साथ काम किया है, और आपने कहीं ना कहीं एक सुख भी पाया होगा इसके बदौलत, यू नो, क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसी एनर्जी है जब हम भाग नहीं रहे, घोड़े नहीं हमारे दौड़ रहे, और हम कह रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें, माँ को हक करना, बाबा से बात करना, अपनी बॉडी के, बॉडी को समझना, उसका ध्यान रखना, यू नो, एक्सप्रेस करना, प्यार को लेकर भी आई थिंक आपकी परिभाषा कहीं ना कहीं बदली है. पायल फोर आपके पास्ट में शायद पहले बहुत भटकन थी, लेकिन फिर प्यार को लेकर आपने सब्र करना सीखा, और उसकी डेफिनेशन आपके लिए बदली. आप में से कुछ लोगों ने लिटरली क्रिस्टल्स के साथ भी बहुत काम किया है शायद पास्ट में, या तो आपने कोई रिंग पहनना शुरू किया है या कोई ब्रेसलेट. मुझे खास करके रिंग दिखा रहे हैं यहाँ पर. वेरी नाइस. वी हैव रोहनाइट, फाइंड अ वे टू फॉरगिव. ये फॉरगिवनेस दूसरों के प्रति कम और खुद के प्रति ज्यादा लग रही है. स्लो डाउन. आप में से कुछ लोगों ने किसी एडिक्शन का भी, एडिक्शन के ऊपर भी विजय हासिल की है रिसेंट पास्ट में. कोई एडिक्शन थी आपको, स्मोकिंग नजर आ रही है मुझे, कोई और एडिक्शन भी हो सकती है, शुगर की भी एक एडिक्शन मानी जाती है, राइट. लेकिन आपने किसी एडिक्शन को भी यहाँ पर हील किया है पास्ट में, और आपने अपने आप को गिल्ट से भी फ्री करने की कोशिश की है. मुझे अभी भी लग रहा है कि फॉरगिवनेस का बाकी है. फाइंड अ वे टू फॉरगिव माने अभी और रास्ते ढूंढने बाकी हैं, लेकिन आपने फॉरगिव करने का कुछ ना कुछ तो किया है यहाँ पर, गिल्ट से खास करके, और ये फॉरगिवनेस अपने प्रति है. आई ऑल्सो फील लाइक कि पास्ट, रिसेंट पास्ट में आप अपनी फैमिली के भी बहुत करीब गए हो, खास करके अपने पेरेंट्स, उनका ध्यान रखना, ये शायद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई पिछले कुछ समय में. वी हैव ब्लैक टर्मलिन, प्रोटेक्ट योर एनर्जीज. या टेम्पटेशंस हैं यहाँ पर, पाइल फोर, टेम्पटेशंस. आपने चूज तो कर लिया पाथ, आपको पता भी चल गया ये मेरा सही मार्ग है, ये मेरा सही पाथ है, ये मुझे करना है, लेकिन टेम्पटेशंस अभी भी हैं, साया अभी भी है उस टेम्पटेशंस का. लेकिन आपके पास्ट के बारे में एटलीस्ट हमें ये पता चल रहा है कि आपने कोशिश की है, और ये अपने आप में शाबाशी वाली बात है मेरी जान. आपने कोशिश की है, रास्ता आप अभी भी ढूंढ रहे हो, मिलेगा. कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, ये बात कहने वाली नहीं है,
ये बात को अगर आप सच में अप्लाई करके देखेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, ये कहने वाली बात नहीं है सिर्फ। तो आपने कोशिश की है आपको ज़रूर यहाँ पर सक्सेस देखने को मिलेगी। तो इनिशिएशन जो है वो पास्ट में हो चुका है इस पाल का। वी हैव ऊना काइट, लिव इन द नाउ। अगेन छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी खुशियों में जीवन को ढूंढने की कोशिश करना, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं है आपका। पार्टिसिपेशन समझते हो, वहाँ पर वो हो रहा है, मुझको उसमें कूदना है, वहाँ पर ये कंपटीशन चल रहा है, मुझे उसका हिस्सा बनना है, उसने ये कहा मुझे उसका जवाब देना है, पार्टिसिपेशन नहीं है। आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, रीसेंट पास्ट से आपकी एनर्जी चली आ रही है, जो कि बहुत बहुत अगेन ये बहुत शाबाशी वाली एनर्जी है। वेरी गुड। जवाब देना भी शायद आपने छोड़ दिया है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, और कुछ लोग उससे ट्रिगर भी हुए होंगे क्योंकि लोग तो चाहते हैं ना, वो खुद दलदल में है, वो चाहते हैं कि आप भी आएं, लेकिन आपने पकड़ ली वो चीज़ कि ये दलदल है, ये दलदल है। आपकी प्रेजेंट एनर्जीज चेक करते हैं पाल फोर। वन मोर टाइम प्लीज। नाइस, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हो आप, होना भी चाहिए भाई, ये दौर ही ऐसा चल रहा है। अब बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हो। मेन क्वेश्चन करंट एनर्जीज में आपका यही है कि दरअसल क्या मायने रखता है, क्या करना चाहिए वो नहीं, दरअसल कौन सी चीज़ें मायने रखती हैं मेरे लिए, मेरे ड्रीम्स, मेरी हसरतें, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, एक अच्छा इंसान बनना। तो आप इन वैल्यूज़ के साथ प्रेजेंट मोमेंट में काम कर रहे हो, और इस वजह से आप बहुत प्रैक्टिकल हो, क्योंकि मैंने जैसे कहा टेम्पटेशंस हैं, उनका साया टेम्पटेशंस का है, और उसमें आपको प्रैक्टिकल ही होना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ा सा दिल कमज़ोर हुआ फिर वो टेम्पटेशंस में पड़ गए आप। तो आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, नहीं हो रहे हो तो होना सीख जाओ प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि यही आपका हल है यहाँ पर। एक्सक्यूज़ मी, मैंने जैसे आपको कहा यहाँ पर कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, ये आपके प्रेजेंट मोमेंट में भी आ रहा है। इसकी तलवार झुकी हुई है, इसकी तलवार उठी नहीं हुई, माने कि ये कह रहा है कि अब मुझे जंग नहीं लड़नी, लेकिन तलवार मेरे पास रहेगी। तो ये भी जाहिर कर रहा है कि देखो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हानि पहुँचा सकते हो, तलवार अभी भी मेरे हाथ में है और मैं उसे चलाना भूला नहीं हूँ। बहुत क्लियर हो रहे हो आप अपनी इंटेंशंस के साथ। थैंक यू। वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स। जैसा मैंने कहा आपका अभी भी बाकी है, और ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स ऐसा ही लग रहा है कि ब्रेन, आपका माइंड जो आपसे अलग अलग किस्म की बातें कहता है, उसके साथ अभी बैठना थोड़ा बाकी है आपका। और करंट सिचुएशंस में, करंट टाइम में शायद आपका यही चल रहा है कि आप अपने माइंड को साइलेंट करने की कोशिश कर रहे हो। अभी वो आपको डसता है कहीं ना कहीं, कभी कभी कुछ आपको आके बोल देता है, आप काम कर रहे हो फिर आपको कहता है कि नो ये इनफ नहीं है, ये अच्छा नहीं है, लेकिन आपका इसको कंटिन्यू रखो, इससे डरो मत। ये अगर आपको एक बात कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, इसको वो 10 बार कहो कि मैं कर सकता हूँ। इसी तरीके से हम अपने इस माइंड को साइलेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो बक बक है ये तो बनी ही हमको डराने के लिए है, हमको पीछे रखने के लिए है। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यस, करंट एनर्जीज में आप अपने माइंड पर काम कर रहे हो, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बहुत यहाँ पर उसकी परीक्षा चल रही है पाल फोर। आप कितने ज़्यादा ब्रेव हो, कितने ज़्यादा साहसी हो, कितनी हिम्मत है आप में, कहाँ तक चल सकते हो, वैसी सारी परीक्षाएं हैं आपकी करंट सिचुएशन में। नाइस,
नाइस, वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स, रेस्क्यू तो है यहाँ पर, पांच से सीधा सिक्स नंबर की तरफ जाना और वो भी सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आई फील लाइक कि यहाँ पर जिस वो कहते हैं ना कि पूरी कायनात, मैंने इतनी शिद्दत से तुमको पाने की कोशिश की कि पूरी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की, ये वही है। जब हम अपने लिए खड़ा होना शुरू करते हैं तब ईश्वर भी हमारा साथ देता है, यूनिवर्स भी हमारे साथ देता है, क्योंकि पहली बात तो वो हुआ है इस वजह से कि आप ये जान सको कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाल सको, आप अपने 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 आप को बेहतर बना सको। यही तो जरिया है ना कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है हमें। एंड आई फील लाइक क्योंकि आप उस चीज़ को फेस कर रहे हो इस वजह से आपको रेस्क्यू भी किया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे मिरेकल्स आपको देखने को मिलेंगे। मिरेकल्स कैसे, माने कि आपको नहीं, आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि इस पर्सन से आपको हेल्प मिल सकती है, लेकिन वो हेल्प कर देगा। आपको लगेगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है ये काम करने के, कहीं से आपके पास पैसे आ जाएंगे। यही तो जरिया है, यूनिवर्स हेल्प भेजेगा, रेस्क्यू करेगा आपको, जिससे कि आपका ये दिमाग का जो शोर है वो और कम होता चला जाएगा। कितनी पावरफुल एनर्जी है ये। थोड़ी सी और कार्ड्स पाइल फोर के लिए। थैंक यू। वी हैव टेम्परेंस। ऐसा लग रहा है कि आप अपने इस करंट सिचुएशन में, इस करंट टाइम में आप यू नो एंजल्स के साथ खास करके बहुत काम कर रहे हो। तो ये पॉसिबल है कि या तो आपने अपने लिए कोई रेकी सेशन बुक करवाया है, या कोई प्राणिक सेशन, या खुद सीख रहे हो, या ऑरेकल कार्ड्स पढ़ना सीख रहे हो, या फिर आपने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि ये एंजल आपके स्पिरिचुअल टीम में है, तो आप उनके साथ काम करो। लेकिन बेसिकली आपका जो काम है स्पिरिट वर्ल्ड में, आपका एंजल्स के साथ खास करके काम है, एंजल्स के साथ काम चल रहा है, वो आपको हील कर रहे हैं, आप उनसे हीलिंग रिसीव भी कर रहे हो। और यहाँ पर कुछ लोगों का ध्यान ट्रू लव पर भी टिका है, तो शायद आप अपने लिए सोलमेट एनर्जी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। वेरी नाइस। We have high priestess. मैं इसी का एक्चुअल में वेट कर रही थी। मैंने भी कहा कि ये आई क्यों नहीं अभी तक। High priestess फोर्थ पाइल में आई है। खैर, अगेन ये ऐसा लग रहा है कि सभी आपकी मदद कर रहे हैं पाइल फोर। स्पिरिचुअल टीम आपकी, ट्रस्ट में आप अकेले नहीं हो। I don't know ये किसे सुनने की ज़रूरत है, लेकिन ट्रस्ट मी आप अकेले नहीं हो। अगर आपको ये लग रहा है कि आप अकेले हो, वो आपका माइंड है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आप अकेले नहीं हो। मुझे बहुत ही कृष्णा वाइब्स मिल रही हैं यहाँ पर। प्रोटेक्शन है आपके पीछे, लेकिन वो आपकी तब तक मदद नहीं करेंगे जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करना कोशिश नहीं करते हो, क्योंकि वही वही लेसन है बेसिकली। शायद आप पहले बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे लोगों के ऊपर, आपको अपने बारे में पता ही नहीं चला कि आप क्या क्या कर सकते हो, राइट? तो इसी वजह से शायद ये सब कुछ किया गया आपके साथ। और लेकिन वो हैं, आप अकेले नहीं हो यहाँ पर। आपकी इंट्यूशन को भी यहाँ पर एक्चुअल में बढ़ाने का काम किया जा रहा है, उसका एक पर्पस है इंट्यूशन को यहाँ पर बढ़ाने का। उसका रीज़न यही है कि आपको किसी हीलिंग के फील्ड के लिए चूज़ किया गया है, और हीलिंग का जो भी फील्ड होते हैं, जितने भी फील्ड हैं, इसमें हम अगर अलाइनमेंट में नहीं हैं अपनी इंट्यूशन के साथ, हम वो काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ के लिए, क्योंकि चूज़ किया जा रहा है, इस वजह से आपकी इंट्यूशन यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। आपको यहाँ पर मेन गाइडेंस ये भी दी जा रही है कि इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा हिडन रखो, इसके ऊपर काम करो फिलहाल, या आप ऑलरेडी कर रहे हो अपनी करंट एनर्जीज में, जहाँ पर आप कह रहे हो कि अब मुझे जो करने रहना है, अपनी हर बात को ऐसे ही किसी को भी नहीं बता देना है, शांत रहना है, तो आप जैसे सीक्रेट्स अपने पास रखो, ये गाइडेंस है यहाँ पर। ओ माय गॉश, वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स। मैं कह रही हूँ आप अभी 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 हो, अभी चल रहा है काम आपका, पास्ट में किया लेकिन प्रेजेंट में है। मैंने ये बात आपको पहले ही कह दी है। तो अभी आप शायद किसी चीज़ से उभर भी रहे हो, किसी सेपरेशन, किसी हार्ट ब्रेक, किसी लॉस से उभर रहे हो, और वो धीरे 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 जो है हार्ट चक्रा खुल रहा है, ओपन हो रहा है।
जाग रहा है, लिटरली उसकी आँख जैसे खुली हुई है, राइट? तो कुछ असर हुआ है लेकिन कुछ काम अभी भी बाकी हैं आपके लिए। जो मैं आपको बेस्ट एडवाइस दे सकती हूँ, पाइल फोर, जितना हो सके अपनी स्पिरिचुअल टीम को जानो, लिटरली उनके नाम जानने की कोशिश करो, चैनल करने की कोशिश करो कि मेरे स्पिरिट गाइड्स कौन हैं, स्पिरिट एनिमल्स कौन हैं। इस पूरी जर्नी में वही आपकी मदद करने वाले हैं, क्योंकि जब हमें रेस्क्यू की ज़रूरत हो, और ख़ास करके जब दुनिया वाले साथ ना दें और हमें स्पिरिट की रेस्क्यू की ज़रूरत हो, उनका आह्वान करना पड़ेगा ना, एनर्जीज़ का आह्वान करने के लिए उनको जानना पड़ेगा कि वो कौन है। तो अभी जो आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि नाज मुझे मेरे स्पिरिट गाइड्स को जानना है, वो कौन है, उनके साथ मैं कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ, उनको समझो, उनके लिए मेडिटेशन करो। यहाँ पर ट्रस्ट मी, ये बहुत मैं जेन्युइन एडवाइस दे रही हूँ आपको, जिसको लेना है वो ले, अदरवाइज कोई बात नहीं, बट ये ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको उसको अपने स्पिरिट गाइड्स को जानना चाहिए, क्योंकि मेन हेल्प आपकी वहीं से आएगी, दुनिया आपको यहाँ पर इतनी हेल्प नहीं करने वाली। लेट्स सी आपके एंजल्स कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर। We have Auden, psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. मैंने कहा आपको इसका reason है। आपको intuition को इस वजह से grow किया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको एक वक्त पर डर सा लगने लगे। मान लीजिए आपकी हर रोज हर रात को 3 बजे आँख खुल रही है सोते वक्त, तो आप मतलब spooky energy आप कह रहे हो कि हाय नास क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ नहीं हो रहा, स्पिरिट आपकी मदद कर रही है, डरना नहीं है किसी चीज़ से। अगर कभी कभी बैठे हुए कुछ महसूस हो तो डरने नहीं लग जाना, वो प्रोसेस चल रहा है आपका, आपकी मदद ही की जा रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सेंसेस बहुत ही एक्टिव होने वाले हैं, स्पर्श चीज़ें हैं नहीं फिर भी महसूस होना, कानों के पास हवा सी महसूस होना, साउंड सुनाई देना, सुगंध, बैठे बैठे कहीं से कोई सुगंध फूलों की महसूस होना, ये सब कुछ हो सकता है आपके साथ पाइल फोर। मैं इसे बहुत आसानी से देख सकती हूँ। ट्रस्ट, फॉलो योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके? जितना उसको करोगे उतना डर कम लगेगा। वी हैव द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बींग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस, नो दैट यू आर बींग गाइडेड। वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपको, मैंने कहा आप अकेले नहीं हो। ये किसी ने तो ये पूछा है भाई कि मैं अकेला हूं नाज, किसी ने तो ये बात कही है, इस वजह से ये बार बार आ रहा है यहाँ पर पाल फोर। या तो इस रीडिंग को देखने से एक दिन पहले ही आपने ऐसा कुछ पूछा है, स्पिरिट को कहा है कि मैं अकेला हूँ, आप सुन भी रहे हो मेरी, मेरे साथ हो भैया, और स्पिरिट कह रही है कि लो आ गए हम, अब बताओ। पाल फोर, ओ गॉश, आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हो चुकी है, बट आई फील लाइक कि थोड़े से इसकी वजह से या इसकी वजह से अभी आप शायद उस चीज़ पर पूरे तरीके से विश्वास नहीं कर पाते। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप बहुत स्पेशल हो, आप स्टार सीड हो, आपको क्योंकि लै नाज तो कहती रहती है, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो इसकी वजह से। ये आपको बिलीव नहीं करने दे रही एनर्जी, इसको हील करने के लिए स्पिरिट को, स्पिरिट गाइड्स को जानो, क्योंकि वो आपको यहाँ पर हील कर सकते हैं, ठीक है? तो मेडिटेशन करनी है, मैनिफेस्ट करना है, क्या करना है कि मुझे मेरे स्पिरिट गाइड्स को जानना है। One more time, please. And Shunya, we have 3 of Pentacles. Yes, co-create. ये वही है, स्पिरिट के साथ काम करो, स्पिरिट के अगेंस्ट काम मत करो, उनके साथ करो। ये दो वाइज, यू नो, मैच्योर एनर्जी और ये यंग एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है। तो co-create करना, आपके फ्यूचर के लिए ये गाइडेंस देख रहे हैं बाय द वे हम, ये पास्ट की थी, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर। तो आपको फ्यूचर जो आपके, जो आपका गोल होना चाहिए ना फ्यूचर को लेकर भी, वो यही होना चाहिए कि आप को क्रिएट करें, आप एक्चुअल में मैजिशियन बन जाएं
और म्यूजिशियन बनने के लिए वो फेथ कहाँ से आएगा जब आपको पता होगा कि भाई मेरे पीछे कुछ है, एनर्जी, शक्तियाँ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। अगेन उसको लेकर ही आपको प्रेजेंट मोमेंट में वैसे ही एक्शंस लेने होंगे। वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, इंट्यूशन। भविष्य में भी मुझे ऐसा लग रहा है इस वजह से भी आपकी इंट्यूशन इतनी ग्रो की जा रही है क्योंकि आपको भविष्य में बहुत बड़े बड़े यहाँ पर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आ रहे हैं आपके लिए डिसीजंस, और उसमें आपकी इंट्यूशन को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। किसी के बहकावे में, किसी की बात को सुनकर वो डिसीजन नहीं लेना है आपको। वी हैव थ्री ऑफ कप्स, वी हैव फोर ऑफ कप्स एंड वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। भविष्य में भी एक परीक्षा है भाई आपके लिए, इस वजह से ही आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट में अपने 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 स्पिरिट गाइड्स को जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि फ्यूचर में आपके पास आपकी सोल फैमिली भी होगी आपको मदद करने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि रिपीट हो सकती हैं कुछ चीज़ें जो यहाँ पर आप हील करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये एक्चुअल में रेपिटेशन का ब्लॉकेजेस के ही कार्ड माने जाते हैं टैरो में, रेजिस्टेंस के। तो मेन आपका यही होना चाहिए कि आपके पास आंसर रेडी है, मेरे पास कोई ना कोई जवाब रेडी है देने को, राइट? तो या मेन गाइडेंस अपने अपने एंजल्स को जानिए यहाँ पर। पाल फोर, लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स। वन मोर टाइम प्लीज। And Shunya. Oh, nice. We have prosperity, a prosperous business with riches and success. तो शायद आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर मनी का ही इशू चल रहा है, सिंक इन, लेकिन उससे आपको रेस्क्यू किया जाएगा। और भविष्य में भी आप क्या काम करना चाहते हैं, आप सही डिसीजंस लें अपने करियर को लेकर, अपनी अबंडेंस को लेकर, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर। उसके लिए आपको इसका सहारा, इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। लेकिन एक पोटेंशियल है यहाँ पर बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने की। माय गॉड, सी वी हैव सक्सेसफुल करियर, अ हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइजेस एंड प्रमोशंस। तो आपके लिए धन, करियर, सक्सेस है यहाँ पर। पाल फोर, ये जितना भी आपका इनर वर्क चल रहा है उसके मुताबिक बस इसको मत हावी होने दो। ये आपको बहुत अलग अलग किस्म की बातें कहेगा समय समय पर आकर, ये दिमाग आपका, लेकिन देखिए ये आपकी सच्चाई है। करियर में सक्सेस, अबंडेंस, खुशियां जो आप डिजर्व करते हो, ये मैनिफेस्ट हो रहा है, तो इसको अपनी सच्चाई बनाओ। आपका फाइनल कार्ड है, ओ माय गॉश, लुक, वी हैव इनर विजडम नंबर 17। अगेन वो कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को उसके ऊपर विश्वास करो, इनर विजडम को क्लेम करो, उसके साथ जुड़ो, उसी के साथ तुम फतेह पा सकते हो दुनिया के ऊपर। आप में से कुछ लोगों को सूर्य नमस्कार करने की ज़रूरत है या योगा करने की ज़रूरत है। 8 नंबर बनता है 17 का भी, और 8 नंबर भी अबंडेंस का नंबर माना जाता है, लूप, यू नो, जहाँ पर कुछ भी ख़त्म ना हो, आपके पास इतना आ जाए कि कभी कुछ ख़त्म ना हो। तो आई फील लाइक कि जितना भी आपका बड़ी, जो हमने अच्छी अच्छी बातें की हैं यहाँ पर, वो इस तभी मैनिफेस्ट हो सकती हैं जब आप अपनी इंट्यूशन के साथ काम करेंगे। अपनी स्पिरिचुअल टीम को पहले जानिए, उनसे मदद मांगिए, और वो आपकी इंट्यूशन को और मजबूत करने में आपकी मदद करेंगे। ओके, तो यस, ये आपकी रीडिंग है पाइल फोर। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसके साथ ही आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है? तो यस गाइस, ये हमारी रिपोर्ट कार्ड वाली पिक कार्ड रीडिंग थी। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो। बहुत ही यूनिक रही है बाय द वे ये पूरी रीडिंग। चारों पाइल्स बहुत ही अलग थे, अलग वाइब्रेशंस थी, अलग एनर्जीज थी। चैनल करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ मैसेजेस रिपीट होते हैं, बट आई फील कि ये रीडिंग बहुत ही यूनिक रही है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, और आई जस्ट होप कि ये आपके लिए यूज़फुल रही हो रीडिंग। और थैंक यू सो मच, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जीज मेरे साथ शेयर करने के लिए, ये स्पेस मेरे साथ शेयर करने के लिए।
मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप सभी के लिए. और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू गाइस. अपना ध्यान रखिएगा और मैं मिलूँगी बहुत जल्द आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय.